नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं त्राटक की विधि को लेकर। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न था कि त्राटक को किस तरह से किया जाता है, और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि त्राटक जो है वो तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला था आंतरिक त्राटक, दूसरा है मध्य त्राटक और तीसरा है बाहरी त्राटक। तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न थे कि कौन से त्राटक से आरंभ किया जाए। यहाँ पर आज मैं आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें अगर त्राटक को आरंभ करना है, बिल्कुल ही आरंभ की स्टेज है, शुरू करना है किसी को, तो उसे मध्य त्राटक से ही शुरू करना चाहिए। इसको करने से पहले 2-4 मिनट आप अपनी आँखों की एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि मध्य त्राटक का जो काम है उसमें आँखों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए ये जान लेते हैं कि इसमें कौन से थोड़े से रूल्स फॉलो करने चाहिए, जिससे जो हमारी आंखें हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए वो सहज हो जाएं। सबसे पहले आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो लें, उन्हें बिल्कुल साफ़ कर लें, ताकि आपको जो हमें बिंदु पर जो इसका कॉन्सेंट्रेट करना है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आँखों को वॉश करने के बाद आप उसे 2 मिनट के लिए बैठकर आँखों को चारों तरफ से घुमाएं, जिस तरह से हम पहले ऊपर देखेंगे, फिर साइड पर देखेंगे, फिर नीचे, और फिर हम लेफ़्ट साइड पर देखेंगे। इस तरह से अपनी आँखों को चारों तरफ घुमाएं। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आँखों में काफ़ी एनर्जी आ जाती है, जिससे आप बिंदु पर अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। त्राटक करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि हमारी अगर आँखों की शक्ति जो है वो प्रॉपर होगी तभी हम उसको कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। वैसे तो त्राटक करने के बाद आँखें वैसे ही ठीक हो जाती हैं, उन बहुत हेल्दी हो जाती हैं, परंतु फिर भी जो है जब हम त्राटक करते हैं उससे पहले भी अगर हमारा शरीर हेल्दी होगा तभी हम उस पोस्चर में बैठकर जो है त्राटक को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो हमारा सर दर्द ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, हम उसे प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, फिर हम उस स्टेज पर कैसे पहुँचेंगे जहाँ हमें इसके लाभ मिलने शुरू होते हैं। इसलिए अगर प्रैक्टिस करना है त्राटक को तो अपनी आँखों का बहुत सारा ध्यान रखें, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, अपने बॉडी का ध्यान रखें, ताकि आप अच्छे तरीके से बैठकर सही पोस्चर में बैठकर त्राटक को प्रैक्टिस कर सकें। जब आप त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं, मध्य त्राटक से शुरू करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मध्य त्राटक में क्या करना होता है कि किसी भी एक बिंदु को बिल्कुल सामने चेयर के ऊपर रख लें, या अपने सामने बिल्कुल 2 फुट दूरी पर रख लें, और उसके बाद आप उसके बिल्कुल सामने सीधी पीठ करके बैठ जाएं और उस पर ध्यान लगाएं, उस बिंदु पर, और आप जितना ध्यान लगा सकते हैं उतना ध्यान लगाने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आपका ध्यान लगाते लगाते, क्योंकि स्टार्टिंग में ये होना बहुत होता ही है ऐसा कि आपका ध्यान जो है वो हटता है बार बार, परंतु आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है, और अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप उसे बंद कर दें, आँखों को बंद करके बैठ जाएं, और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें खोलकर फिर से प्रैक्टिस शुरू करें। इस तरह से आप 2-4 बार कर सकते हैं। शुरू शुरू में कई लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, परंतु इससे घबराएं नहीं, ये परेशानी सबके साथ आती है जो इसे स्टार्ट करते हैं। कई लोग इसलिए छोड़ देते हैं बीच में कि हमारी आँखों पर बहुत भार पड़ रहा है या हमारा सिर दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, तो आप इसे छोड़े नहीं, डेली थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने समय को जो बढ़ाते रहें, और इससे आपको आपकी आँखों पर भार भी पड़ना कम हो जाएगा, आपका सिर दर्द भी कम होगा। परंतु आप अगर इस तरह से कोई सिर दर्द होता है या आँखों पर भार फील होता है तो कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये एक एनर्जी का रूप है। आपकी आँखों में और आपके सर में एक एनर्जी फ्लो करती है, और जब आप मेडिसिन ले लेते हैं तो वो एनर्जी जो है वो उतनी ही डाउन हो जाती है। और अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे इसे प्रैक्टिस करते हैं, तो जो एनर्जी आपकी आपके थर्ड आई में कलेक्ट होती है वो एनर्जी आपके थर्ड आई को एक्टिवेट कर देती है। इससे आपको इसके बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो मिरेकुलस होते हैं।
कुछ लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि इस त्राटक विधि को किस समय पर करना चाहिए, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इसे आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। अगर आप सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, आप इसका एक टाइम फिक्स कर लें। आप उसी समय पर, जैसे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे करते हैं या 5 बजे करते हैं, तो रोज़ सुबह 5 बजे ही करें। अगर शाम को करते हैं तो उसी समय पर करें जिस समय आपने स्टार्ट किया है। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो यही कहूंगी कि आप इसे अगर रात के समय में करें तो आपको ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन मिल सकती है, और अगर आप इसे अर्ली मॉर्निंग करें तो भी इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय जो होता है वो बिल्कुल सन्नाटा होता है, बहुत शांति होती है, तो आपको इसमें कंसंट्रेशन करने में इसको आसानी हो जाएगी। इसलिए आप इसे ऐसे समय पर करें जब शोर ना हो। ये तो थी मध्य त्राटक की बात कि मध्य त्राटक को किस प्रकार से किया जाता है। जो लोग इसे स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मध्य त्राटक बहुत बेस्ट है, पर इसकी आगे की जो विधियां हैं जिसमें दर्पण त्राटक है या आप लेटे लेटे किस तरीके से त्राटक कर सकते हैं, इन विधियों को मैं अपनी अगली वीडियोस में देने की कोशिश करूंगी। परंतु जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो मध्य त्राटक से स्टार्ट करें, उन्हें बहुत इसके लाभ मिलेंगे। उसके बाद इसके एडवांस स्टेज में आप लोग जा सकते हैं। जो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस जो है त्राटक के संबंध में वो नहीं देखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपको इसके बेनिफिट्स का भी पता लग जाएगा और त्राटक की जो विधियाँ हैं, जो इसके रूप हैं, उनके बारे में भी जो है आपको प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा। दोस्तों, त्राटक की जो सबसे खूबसूरत विधि है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है भगवान की किसी मूर्ति के ऊपर त्राटक करना। जब हम किसी भी भगवान की मूर्ति के ऊपर त्राटक करते हैं तो हमें कुछ दिनों के बाद जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो बहुत ही आनंदमयी होता है। उसे देखकर बहुत खुशी का अनुभव होता है। जो लोग इस स्टेज से आगे जाएंगे उनको मैं अपनी एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि भगवान की जो मूर्ति पर त्राटक किया जाता है, या जिस भी कुल देवता को आप मानते हैं या जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं, उसकी मूर्ति पर जब हम त्राटक करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसके हमें लाभ मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में नीचे बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।